नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रख्यात बिरहा गायक पद्मश्री हीरालाल यादव के अचानक निधन से बनारस के संगीत जगत और राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में लोकसभा चुनाव 2019 की सरगर्मी जोरों पर है। जिसने भी सुना कि अब प्रख्यात बिरहा गायक हमारे बीच नहीं रहे, तो वे बरबसी चौकाघाट आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंच गए, जिसमें प्रमुख रूप से सपा के प्रत्याशी शालिनी यादव, जिला अध्यक्ष पीयूष यादव, भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह, सलभमणि त्रिपाठी, अशोक पांडे, भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पार्थिव शरीर को पुष्प चक्र समर्पित किया। हीरालाल यादव के पुत्र रामजी यादव ने क्लाउन टाइम्स रिपोर्टर प्रतिमा पांडे से बताया कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने दो दिन पूर्व जब लोकगीत गायक हीरालाल जी अस्वस्थ हुए तो उनका हालचाल पूछा था, किंतु उनके पुत्र को इस बात का मलाल है कि सरकार की ओर से उनकी कोई आर्थिक मदद नहीं हुई। देखिए क्या कह रहे हैं रामजी यादव। इस वक्त हमारे साथ हैं मशहूर लोकगीत गायक और पद्मश्री हीरालाल यादव जी के बड़े पुत्र रामजी यादव। आइए इनसे जानते हैं कि सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था, अब उनके देहांत के बाद ये सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि कुछ उनके लिए सोचें, रोड उनके नाम से बन जाए, उनका एक प्रतिमा लग जाए तिराहे पर या कहीं संकुल में, तब तो वो अमर होंगे, नहीं तो वो सर्टिफिकेट देंगे और बिल्ला देंगे। कोई पारितोष नहीं मिला किसी से, केवल प्रमाण पत्र मिला, है ना। तो जरूरत तो आज के समाज में बिना पैसा से तो कुछ नहीं होगा, है। सरकार बहुत बड़ा मान दी है, मोदी सरकार जी जो है जो कर दिए, पिछली सरकारें भी की थी, अखिलेश यादव भी दिए थे, एस भारती और पद्मश्री मोदी जी दे दिए, तो सम्मान तो मिल गया, उनका जो हक था वो मिला। अब आगे सरकार कुछ ऐसा करे जिससे उनका नाम आगे चल के लोग कुछ याद रखे। इस रोड का नाम है मकबूल आलम, कम से कम इसी को बदल करके हीरालाल यादव कर दें और उनकी एक प्रतिमा संकुल में लगा दें, चाहे यहाँ सरकारी ज़मीन है उसी को एक पार्क बना करके उसमें स्थापित कर दें, ताकि अमर हो जाए कुछ रोज के, कुछ रोज तक जो आज की पीढ़ी है वो याद करेगी, और नहीं तो फूंक दिया जाएगा काम खत्म दसवां तेरह ही करके। कुछ दिन के लिए वो याद किए जाए। 10 लाख रुपया हम लोग लगा चुके, 20 रोज वेंटिलेटर पर थे पिताजी, तो सरकार की तरफ से एक नया पैसा नहीं मिला है, सम्मान मान प्रतिष्ठा तो ये मिल गया, लेकिन केवल सम्मान पत्र से काम अगर चल जाए। आज मणिकर्णिका जाएंगे तो लकड़ी वाला वो सम्मान पत्र नहीं देखेगा, वो तो पैसा मांगेगा, तो ऐसा कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से अभी नहीं हुई है, आश्वासन दे रहे हैं लोग, अब आगे देखिए क्या करते हैं। क्या भाजपा से कोई यहाँ पर आया था सुबह? आए थे, आए थे भाजपा के कई नेता लोग आए थे, महेश चंद्र श्रीवास्तव आए थे, काशी प्रांत के अध्यक्ष है, वो मोदी जी की तरफ से लेकर आए थे, पुष्प चक्र जो अर्पित किए हैं चढ़ाए हैं और कहे कि मोदी जी भेजे हैं हमें, तो इतना मोदी जी फोन भी किए थे परसों अस्पताल में, तो जो हो रहा है कर रहे हैं लोग। धर्मेंद्र सिंह हैं भाजपा के, यहाँ हमारे छोटे लाल जी हैं मोहल्ले के, सुबह से बैठे हैं बेचारे, क्षेत्रीय पार्षद हैं, क्षेत्रीय पार्षद हैं श्रीवास्तव जी, वो भी हैं, सभी लोग हैं, सपा के भी लोग आए हैं, पीयूष यादव आए, शालिनी जो लड़ रही है सांसद वो आई, रामकिशोर यादव सांसद मुगलसराय, और ये राय साहब अजय राय वो भी आए बेचारे, सभी लोग आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं शास्त्रीय संगीत के कलाकार पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य। आइए इनसे जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले आपको और लोकगीत गायक हीरालाल यादव जी को पद्मश्री के सम्मान से राष्ट्रपति के द्वारा नवाजा गया था, और अब आज वो हमारे बीच नहीं रहे,
हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी और उनकी कुछ स्मृतियां अगर हैं तो हमें बताएं। बड़ा दुखद है, जाति वर्ग सब कुछ छोड़कर अपनी गुणवत्ता के बल बूते व्यक्ति जब यश पाता है अपने कृतित्व के बल बूते हैं, तो हीरालाल जी के गुणत्व को, उनकी प्रतिभा को सम्मान क्यों न दिया जाए। और संभवतः वीटो लगा और उनको मिला, तो वो वाराणसी के लोक गायकी के एक प्रधान प्रतिभाशाली प्रमाण थे, प्राण थे लोक जीवन के। और अभी भी दैनिक जागरण ने जब उनका सम्मान किया तो उनको लाया गया, तो डिमेंशिया का आक्रमण हो चुका था, तो जब बार बार लोग कहते थे कि आपको यह पुरस्कार मिला, का अच्छा और ओ जय श्री कृष्ण जय राम, प्रभु का नाम लेते रहते थे। और बीच में जब कुछ कहा जाता था तो भैया देखा कोई बोलावट हो, कुछ कहत हो, सुन ल का कहत हो। तो आजीवन काव्य रचना में, काव्य गायन में, लोक जीवन को जीते हुए भी लोग को अपनी प्रतिभा और गुणवत्ता से आलोक देने वाले आज परलोक चले गए। अभाव तो खटता है, हम लोग मानव हैं इसलिए, लेकिन जयंति ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। वह लोक गायन के क्षेत्र में वीरत्व से ओजस्वी गायन के लिए सदा याद किए जाएंगे, और उनका अपना स्थान अपने कृतित्व से बहुत ऊंचा था, और वैसे ऊंचे महामानव भी वो थे। इस दृष्टि से हम बाबा विश्वनाथ जी से यही प्रार्थना करते हैं कि शिवधाम में भी शिवता का अर्थ होता है भला ही भला, वह अपने गायन से तो अमरत्व प्राप्त कर ही चुके हैं, उन्हें दिव्य उच्च स्थान मिले और उनके परिवार को ये अभाव सहने की क्षमता मिले। तो ये रहे प्रख्यात शास्त्रीय गायक डॉक्टर राजेश्वर आचार्य, जिन्होंने हीरालाल यादव जी के साथ बिताई हुई अपनी स्मृतियों को हमारे साथ साझा किया। मैं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम ब्रेकिंग न्यूज वाराणसी की विशेष कवरेज। इस वक्त हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी, आइए इनसे जानते हैं। लोकगीत गायक पद्मश्री हीरालाल यादव जी का निधन हो गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हीरालाल यादव जी बहुत ही महान लोक गायक थे और हम सबको बहुत गौरव रहा है हमेशा से, उनकी जो कला रही है, उनका जो जज्बा रहा है। दो दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी फ़ोन करके उनका हालचाल लिया था, और आज ये दुखद खबर आई कि वो हम सबके बीच में नहीं रहे। निश्चित तौर पे जो लोक गायक का, लोक गायकी का जो क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ी रिक्तता आई है, और आने वाले दिनों में उनकी जगह को भर पाना शायद मुमकिन नहीं होगा। हम सब ने जैसे ही जानकारी मिली उनके आवास पर पहुँच के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से अपनी संवेदना दी, और उनके परिवार को ये कहा गया कि पहले भी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम सब सदैव उनके साथ हैं। आज हीरालाल जी निश्चित तौर पर हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन अपनी विधा के जरिए, अपनी गायकी के जरिए वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। त्रिपाठी जी, जैसा कि केंद्र की सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा था, तो क्या अब उनके ना रहने पर उनकी परिवार के लिए भी वो कुछ करेगी? निश्चित तौर पर देखिए, ऐसे लोग धरोहर होते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो दिन पहले जब उनके पुत्र से बात की थी तब भी ये कहा था कि वे सदैव उनके साथ हैं, पूरी काशी उनके साथ है, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, हमारी सरकार उनके साथ है, जिस भी तरह की जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनका ख्याल रखा जाएगा। इस वक्त हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे, आइए इनसे जानते हैं कि मशहूर लोकगीत गायक पद्मश्री हीरालाल यादव के निधन पर इनका क्या कहना है? देखिए, आपको बता दें कि बिरहा परंपरा के महानायक थे वो, और निश्चित तौर पे हीरालाल यादव बिरहा के पर्यायवाची थे, पूर्वांचल की मिट्टी से जुड़े थे। हीरालाल बुल्लू और रामदेव जी उसी परंपरा के थे। आज उनके निधन का समाचार हम लोग सुने हैं, निश्चित तौर पे दुखी है, चूँकि हानि लाभ जीवन मरण जस जस विधि याद ऊपर वाले के हाथ में है। लंबा जीवन जीने के बाद वो अमर हैं, इसलिए कि अपनी कृति से अमर हैं, हम उनको अपनी शोकांजलि अर्पित करते हैं। और हीरालाल जी
विधा के माध्यम से जन जन तक पहुँचे हैं, जीवित हैं और जीवित रहेंगे। पांडे जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि केंद्र की सरकार के द्वारा उनको पद्मश्री से नवाजा गया था, तो इसके साथ ही अब उनका निधन हो चुका है, तो क्या उनके निधन के पश्चात उनके परिवार के लिए भी सरकार कुछ करने वाली है? देखिए, आप बता दें कि पद्मश्री बिरहा के क्षेत्र में उनको मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बिस्मिल्ला खान साहब को भारत रत्न बनाया, मालवीय जी को भारत रत्न। जिनको ज़रूरत है निश्चित तौर पर उनको और जो भी आवश्यकता होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।